वेलकम एवरीबॉडी, मैं हूँ श्रेया। आ गई हूँ एक नए से वीडियो के साथ आप सबके बीच में। आज की जो वीडियो है वो मेरे स्क्रबिंग रूटीन के बारे में है। मैं मैकैफीन का नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी फेस स्क्रब यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि मैं कैसे अपना स्क्रबिंग रूटीन करती हूँ। वीक में एक बार आपको स्क्रबिंग रूटीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनइवन हो जाती है आपकी स्किन। वही बताऊँगी कि किस तरीके से राइट वे में आप अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं, कौन सा स्क्रब आपके लिए बेस्ट है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मैं एक चीज बता दूं कि जिनकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ये मैकैफीन का नेकेड एंड रॉ कॉफी फेस स्क्रब जो है वो सब लोग यूज कर सकते हैं, सारी स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए सबके लिए है। 100 ग्राम्स का है और मैंने इसको खरीदा था, आई डोंट नो, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये मैंने 350 रुपये का खरीदा था, 349 रुपीज़ की इसकी प्राइस है, एंड ऑनलाइन इसका फ्लक्चुएशन चलता रहता है इसकी प्राइस का। एंड काफ़ी अच्छा ये फेस स्क्रब है, कॉफ़ी फेस स्क्रब है, विटामिन ई के साथ ये फेस स्क्रब है, और आई डोंट थिंक ये एलर्जिक होगा बिल्कुल भी किसी स्किन टाइप के लिए, बिकॉज मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव भी हो जाती है तो भी मैं ये यूज़ करती हूँ। और मैंने आपको बताया अपनी पुरानी वीडियोज़ में कि मैं पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो ये जो मैकैफीन का कॉफ़ी फेस स्क्रब है वो भी पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, कॉफ़ी मिक्स एक अच्छी सी। डायरेक्शंस बता देती हूँ इसको यूज़ करने के लिए। इस पर क्लियरली मेंशन है कि वीक में दो बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में आप उसमें मेंशन होता है कि आपको एक बार ही यूज़ करना है नहीं, या कितना उसका इफेक्टिवनेस है, कितने दिन तक वो टिकेगा अगर आप उसका प्रॉपर यूज़ करेंगे। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि यू कैन यूज़ इट ट्वाइस अ वीक फॉर द ग्लो अप। सो आप इसको दो बार यूज़ कर सकते हैं वीक में, मैं एक बार करती हूँ। शुरू करेंगे फेस को क्लीन करना। फेस क्लीन करने के बाद ही कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करें ताकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सके। जैसे कि आप अभी स्क्रब करने जा रहे हैं तो आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ताकि स्क्रबिंग प्रॉपर हो सके और प्रोडक्ट कम्प्लीटली कॉन्टैक्ट में आ सके आपके स्किन के साथ। वो लिया है जिससे मैं अपना फेस एंड लाइनर एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लीन करूँगी। आप चाहो तो प्लेन वाटर से भी अपना फेस क्लीन कर सकते हो। सो लाइनर निकल चुका है, फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये टोनर यूज किया है, हाथ में भी थोड़ा सा अब स्क्रब लेंगे। ये स्क्रब ले लिया मैंने और स्टार्ट करेंगे इसको इवनली अप्लाई करना। अब इसको कम से कम भी नहीं तो 5 मिनट आपको बिल्कुल अच्छे से स्क्रब करना है अपने फेस पे, सर्कुलर मोशंस में, एंड जहां जहां आपको अनइवन लगती है आपकी स्किन वहां पे। मेरा नोज एरिया प्रॉब्लमेटिक एरिया है, इसीलिए मैं नोज के पास ज्यादा स्क्रब करूंगी, और करीब करीब नहीं तो 3 to 5 मिनट्स आपको ये सब प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं आपका, माउथ एरिया, नोज एरिया एंड फॉरहेड, ये सब। अगर आप अनकम्फर्टेबल है तो अपना हेयर पीछे टाई कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि अब मेरा फेस बिल्कुल अच्छे से स्क्रब हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉटन का रूमाल लेना है एंड उसे ल्यू फॉर्म वाटर यानी कि हल्के गुनगुने पानी में डुबा करके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। फेस वॉश आपको नहीं करना है किसी भी फेस वॉश से, आप चाहे तो पानी से भी अपना फेस, सिर्फ पानी से, सादे पानी से आप धो सकते हैं, बट बहुत ही हल्के हाथ से आपको ये काम करना है। और ध्यान रहे जब आप स्क्रबिंग करें तो अपना हाथ जो है वो थोड़ा सा हार्ड करके यूज करें, थोड़ा सा रफ हैंड्स होंगे तभी वो डर्ट आपके फेस से निकलेगी। जो मैं करने वाली हूँ वो है ये स्टीम लूंगी मैं। वेपराइजर सबके घर में इस समय अवेलेबल होगा और बहुत ही इजी प्रोसेस होता है स्टीम लेने का। आपको ये वाला जो इस तरीके से ये अटैच हो जाता है इसमें, ये अटैचमेंट इसमें लगानी है, इसको ये जो प्लग है उसको प्लग इन करके उसके बाद फिर
कोई भी एसेंशियल ऑयल अगर आप यूज करना चाहें तो एसेंशियल ऑयल डाल करके उसमें, उसके बाद फिर आप इस तरीके से स्टीम ले सकते हैं। मैंने ले ली है प्रॉपरली ताकि मेरे पोर्स जो है वो अच्छे से ओपन हो जाए। लास्ट प्रोसेस और मॉइस्चराइज करती हूँ आफ्टर स्क्रबिंग। मॉइस्चराइज करने के लिए मैं एलोवेरा जेल और कैस्टर ऑयल का मिक्स यूज़ करती हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट लगाते ही, कोई भी प्रोडक्ट आपको लगाते ही हल्की सी भी टिंगलिंग इफेक्ट या हल्का सा भी चुनचुनाहट या अनकम्फर्ट डिस्कम्फर्ट फील हो तो तुरंत उस प्रोडक्ट को अपने फेस से हटा दीजिए, अपने स्किन से हटा दीजिए, बिकॉज वो हो सकता है कि आपको सूट ना कर। प्रोसेस हो गया है कम्प्लीट एंड मॉइस्चराइज भी कर लिया है मैंने। अब मुझे काफ़ी अपनी स्किन सॉफ्ट फील हो रही है, स्पेशली मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है वो एकदम इस समय क्लीन एंड शाइनी दिख रहा है, जो कि मुझे भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा। इतना ही, होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। साथ ही साथ अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट किन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।